हेलो एवरीवन, आज का पाठ है सांवले सपनों की याद। लिखा है जाबिर हुसैन ने। 1987 में यह पाठ लिखा गया था। पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत पश्चात डायरी शैली में लिखा गया है यह पाठ। और लेखक को सालिम अली की मृत्यु से बहुत दुख हुआ था। सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे जो एक महान व्यक्ति थे। उनकी मौत होना एक कटु सत्य था और यह सुंदर दिखाई देने वाला संसार जो था हमेशा मृत्यु की मौन वादी की ओर बढ़ता रहता है। यानी हमेशा जो संसार दिख रहा है उसमें मौत जो है वो एक शाश्वत सत्य है। जीवन नश्वर है, यानी नष्ट होने वाला है जीवन। और सालिम अली जो थे इस समूह में सबसे आगे थे। लेखक को उनकी मृत्यु से अत्यंत दुख होता है और वह कहता है कि उनकी अंतिम यात्रा सभी यात्राओं से अनोखी थी। अनोखी कैसे थी? अंतिम यात्रा को अनोखी बताया है। उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी यात्रा निकाली गई उसे लेखक ने अनोखी क्यों बताया है? क्योंकि वो कहते हैं कि इस यात्रा से वो कभी भी लौट कर नहीं आए। जिस यात्रा से वो कभी लौट कर नहीं आए तो यह उनके जीवन की अनोखी यात्रा थी। वो वन पक्षी की भांति, लेखक कहता है कि वो वन में रहने वाले पक्षी की भांति अपना अंतिम गीत गा करके प्रकृति की गोद में जा बसे और कोई इन्हें अपना दिल भी दे दे तो ये वापस लौटकर नहीं आ सकते हैं। लेखक कहता है कि मृतक व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता है। यानी एक बार जो इस दुनिया से चला गया उसे कभी भी लौटाकर नहीं लाया जा सकता है। सभी लोग पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखते हैं। हमें पक्षियों को उनकी दृष्टि से देखना चाहिए। इंसान जो होता है वो हमेशा प्रकृति को अपनी दृष्टि से देखता है। यानी हमारे लिए इसमें कितनी उपयोगिता है, हम हर वस्तु इस नज़र से देखते हैं। किंतु सालिम अली ऐसा नहीं सोचते थे। वो पक्षियों की मधुर ध्वनि सुन करके खुश हो जाते थे और लेखक श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं का वर्णन भी करता है कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में जो शरारतें की थी और उन शरारतों से लोगों का मन मोह लिया था। वो माखन चुराते थे, बांसुरी बजाते थे और अपनी बांसुरी की मधुर धुन से लोगों का मन मोह लेते थे। इसलिए उनका नाम क्या था? मनमोहन होता था। वो पेड़ों की छाया में विश्राम भी किया करते थे और संपूर्ण वृंदावन को बांसुरी की ध्वनि से संगीतमय करते थे। आज भी यमुना का सांवला पानी उन घटनाओं की याद दिलाता है। कवि कहता है, लेखक कहता है कि सालिम अली एक दुबले पतले से व्यक्ति थे। उनकी उम्र जो थी वो 100 साल की होने में थोड़ी सी कम रह गई थी और उनकी लंबी यात्राओं ने उन्हें कमजोर बना दिया था। उनकी मृत्यु हुई थी कैंसर के कारण। मृत्यु भी अंतिम समय तक उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन सकी थी। यानी जब तक वो जीवित रहे तो उनकी आंखों की रोशनी अच्छी थी और हमेशा वो पक्षियों को देखा करते थे। उनके समान पक्षियों का ध्यान रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। एकांत जब वो होते थे, अकेले होते थे, तो दूरबीन से ही पक्षियों को देखा करते थे। वे प्रकृति से प्रभावित थे और प्रभावित करने वाले प्रभावशाली व्यक्ति के धनी भी थे। खुद भी वो लोगों को प्रभावित करते थे। उनके लिए प्रकृति जो थी एक रहस्य बना करके।
चलते थे। इस दुनिया के निर्माण में उनकी पत्नी जिनका नाम तहमीना, उन्होंने बहुत योगदान दिया था। तहमीना जो थी उनका पक्षी की जो उनकी दुनिया थी उसको बनाने में निरंतर उनका सहयोग था। अपना सुझाव रखा था और उनके इस सुझाव को सुनकर के श्री चरण सिंह जी की आंखों में आंसू आ गए थे। सलीम अली की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई भी नहीं है जो भारत की फसलों की माटी की रक्षा करने की सोचे। हिमालय और लद्दाख जैसी बर्फीली जमीन में जो पक्षी रहते हैं उनके बारे में सुरक्षा की बात करें, यानी सलीम अली एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा पर्यावरण और पक्षियों के बचाव की सोचा करते थे। अपनी आत्मकथा जो उनकी थी उसका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। उन्होंने D.H. लॉरेंस के जीवन का उदाहरण दिया था जिसमें यह बताया था कि पशु पक्षी जो होते हैं वो मनुष्य को पहचान लेते हैं। लॉरेंस की पत्नी ने बताया कि मेरे पति को मुझसे कहीं अधिक छत पर बैठने वाली चिड़िया पहचानती है। सलीम ने पक्षियों के प्रति प्रेम रखने और पक्षी वैज्ञानिक बनने के रहस्य को बताते हुए बताया था कि एक बार उनकी एयरगन से नीलकंठ की गोरैया की मृत्यु हो गई थी। वह गोरैया उन्हें नए नए रास्तों की ओर लेकर के जा रही है। वे जीवन की ऊंचाइयों को सदा ही छूने का प्रयत्न करते रहे हैं। उनके हाथों से जो नीलकंठ की गोरैया की मृत्यु हो गई थी वो एयरगन चला रहे थे, उस दिन उन्होंने पक्षी प्रेम का रास्ता अपना लिया था। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में सागर के समान विशाल और अथाह व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनका व्यक्तित्व कैसा था? दुनिया के सागर में विशाल यानी बहुत ही बड़ा उनका व्यक्तित्व था। जो उन्हें अच्छे से समझता था, जानता था, वह उनके मरने पर भी, मतलब उनकी मौत हो चुकी है उसके बाद भी, जो उन्हें जानता है वो ये, उसे ये अनुभव होता कि वो अभी गले में दूरबीन लटका करके सामने से चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक क्या कहता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो कभी भी अपनी मौत की यात्रा से लौट करके नहीं आ सकेंगे। पूरे पाठ में उनकी प्राचीन समय की जो बातें हैं वो लेखक को याद आ रही हैं। इसी का तात्पर्य यह है कि सामने सपनों की याद, और लेखक कहता है मरा हुआ व्यक्ति लौट करके कभी नहीं आता। लेखक ने फिर से उनकी मृत्यु के विषय में बताया कि उनके जनाजे के साथ बहुत से लोग चल रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि